पड़ेगा अगर है, और उसके बाद खुद भी हील करना, टीममेट को भी बचाना, बहुत सारी चीजें गॉड लाइक के नियो के कंधों पर इस समय नजर आ रही है। ओआर के खिलाड़ी आगे बढ़ना जरूर चाहते हैं। गोब्लिन का एक ग्रेनेड जाता हुआ, हेनिक वगे एक को डाउन करे, बट आतंकी का एक ग्रेनेड मेरे ख्याल से मल्टीपल प्लेस को लेकर गया। यस इन कोर एंड क्यूआर बोथ आर डाउन इन दिस सिचुएशन। हेनिक वगे रेक सभी के लिए बचे, बट गोब्लिन विद हिज ग्रेनेड टुडे इज एक्चुअली मेकिंग वेव्स राइट नाउ। रेक्स की एचपी बहुत ज्यादा कम, अगला ग्रेनेड फॉलो अप आएगा और उसके चलते कुछ और नहीं एनिग्मा का मिलेगा एलिमिनेशन। यहां पे कॉमराज को स्पॉट किया था, चली के बिल्कुल साइड से गए थे, लेकिन एलिमिनेशन होता है स्काईलाइट्स का। स्काईलाइट्स काफी अच्छे टाइम पे घुसने की कोशिश तो कर रही थी, बट कांस्टेंट क्रॉस फायर के बीच में जो एचपी लूज हुआ उसका कोई जवाब नहीं था। सोल काफी दूर से ओआर को दूर-दूर से ही सर्वर से बाहर निकालते हुए 8 पे टर्न बिगिंस राइट नाउ फ्रॉम ग्लोबल स्पोर्ट्स साइड। K47 आखिरी प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन एचपी उनकी देखने लायक भी नहीं थी और ग्लोबल स्पोर्ट्स ने समय का सदुपयोग किया है ऐसा, लेकिन उनके ऊपर हो चुका है प्रहार टीम सोल का। गोब्लिन के हाथों में MG3, अक्षत के हाथों में एक ग्रेनेड, और ये एक ग्रेनेड कर सकता है बहुत ज्यादा बड़ा डैमेज। हेक्टर के हाथ में भी रहने वाला है ग्रेनेड। टीम सोल इज मूविंग फॉरवर्ड, मार्चिंग फॉरवर्ड फॉर द 15 पॉइंट्स। नकुल को स्पॉट कर सकते हैं, इनफैक्ट नकुल की लोकेशन प्रॉपरली स्पॉटेड है। उनकी साइड में जाते हुए मोलोटोव देखने को मिल रहे हैं। MG3 goes rata ta ta ta. There are ordinary players and then there are true gods, and right now you're looking at the latter ones as Team Soul is just hunting down everyone in the competition for themselves. Soon Delta ko chala karke dikhate hain aur obviously baat hai Soul us cheez ko execute nahi karegi, but Hector ye galti ho sakti hai because abhi Hector ne bacha tha, Delta ne shuruaat kar diya, Akshat ko knock kara, Hector knock ho chuke hai. Oh, ab ye blunder ho sakta hai, Omega ne bahut zyada damage liya hai aur wahi pe Goblin ki HP dekhiye. Ocean please handle this, is incredible. Oh no, Delta PG is samay koshish kar raha hai bilkul samne fight lene ki, but Goblin ko puri fight samajh padegi, lekin unko mila kisi tarah is samay Delta PG the curse is on. Delta PG, because this was an intense game. Is match se yahan pe points ki agar baat kare wa globally चुके हैं, करीब की बात करें तो FS आ चुकी है सोल अक्षत के करीब। ऐसा झटका शायद टीम सोल ना झेलना चाहे। अभी के लिए हिटमैन बिल्कुल आगे जा रहे, प्लेयर्स बिल्कुल अंदर की तरफ को आ चुके थे, 7-7 डाउन किया जाएगा एंड फिनिश भी करते नजर आएंगे। ये AKM का करके फिनिशेस ले लेता है, मुझे कुछ नहीं मिलता, और कल उनके लेजेंड 0 फिनिशेस थे, बट सेंसे के ऊपर निगाहें हेक्टर की हैं और हेक्टर है, लेकिन उनको रिवाइव देने की कोशिश करी जा रही है। हालांकि आरू का जो ग्रेनेड था वो डेडपूल को डाउन कर चुका है, गोब्लिन का ग्रेनेड शैडो को डाउन कर चुका है। मल्टीपल फाइट्स हो रही है उस एरिया के अराउंड, अब देखना होगा कि किस तरीके से फाइट जाते, क्योंकि ओमेगा नियो का जो कंफर्मेशन है लेते नजर जरूर आएंगे। जी गॉड जोनाथन सरवाइव कर रहे हैं, शैडो अभी भी डाउन, उनको रिवाइव देने की दरकार, देने की दिक्कत हो सकती है। गोब्लिन सर्कल का यहां पर जो कट है वो होने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ खिलाड़ी को डाउन किया जा रहा है जोनाथन। ये नए अपडेट की चीज भी आपकी, आप देखिए जब कोई प्लेयर को आप डाउन करते, बट हेक्टर ने खैर वो जो फिनिश है वो उठा लिया। वो पहले बोला था कि दिस जोन इज इमोशनल डैमेज टू द प्लेयर्स, और वही हो रहा है अभी तो 50% ही रहा पानी के अंदर, आसानी होगा। गोब्लिन वहीं पे FS के 47 को कर देंगे नॉक, एंड जितनी भी टीम ब्लू जोन के अंदर है दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी जॉब। हेक्टर होल्ड करे तो उनको पता है प्लेयर वहीं से आएंगे, जॉनी आ रहे थे और वो लिटरली फर्स्ट एड लगाते हुए आ रहे थे और एक ऑफ गार्ड सिचुएशन में पकड़े गए एंड ही गॉट नॉक बाय हेक्टर। 420 वहीं पे यहाँ पर नॉक कर देंगे गमला बॉय को, गोब्लिन कंप्लीट करेंगे हिटमैन को, प्ले जोन भी यहाँ पर बैक टू बैक फिनिश फीड के अंदर फुल फेमस हो चुके हैं यहाँ पर। गोब्लिन कंप्लीटिंग सीलिंग द डील फॉर टीम FS eSports, दे आर गेटिंग एलिमिनेटेड ऑन 13 स्पॉट विद 2 फिनिशेस। इसका मतलब हेक्टर यहां पे हील करते हुए, बट सोल के पास हील बैटल करना इज अ सेकेंडरी ऑप्शन, बट यहां पर 6 पॉइंट्स ऑलरेडी अब हेक्टर को स्पॉट कर दिया जाने से पहले। कहते ना हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी लूट डूबेंगे, वही हुआ यहां पर। अब नजर डालते हैं हमारी ओवरऑल रैंकिंग्स के ऊपर, क्योंकि वहीं पे इस परफॉर्मेंस का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ये दो टीमें आपस में भिड़ते हुए एक हमेशा एग्रेज का एडवांटेज लेने, बट जी गॉड कैन बिन ट्रबल कॉज गोब्लिन ने जो पोजीशन ले रखी है, जी गॉड को शायद आवाज आ चुकी है, वो थोड़ा सा चौकन्ना हो चुके हैं, बट ये देखिए ओके जी गॉड पे शॉट लेकर गोब्लिन ने अपनी पोजीशन कर दी रिवील, बट जी गॉड अब हो चुके चौकन्ने। अब तक उनके हाथ पे कोई बंदूक नहीं थी, बट अब वो भी यहाँ पर नेट का जवाब नेट से देना चाहते हैं। थोड़ा सा अगर भी ऑडियो यहाँ पर अगर यूज किया, बट जी गॉड पे नेट काफी ज्यादा भारी हो सकता है, स्प्लैट डैमेज पड़ा और एक आधी गोली काफी रहेगी। गोब्लिन मौका तक नहीं देते अपने अपोनेंट को सांस लेने का, और उसके हैव टू रोटेट काफी जल्दी सर्कल के अंदर। वहीं पे इंसेन के साथ उनकी मुठभेड़ चालू है, गोब्लिन वहीं पे रेज को देखेंगे, स्पॉट करेंगे 416 से नॉक एंड फिनिश। वहीं पे सोमराज की मिनी जोनाथन विद अ ग्रेनेड, His grenades have been extremely precise in this map, लेकिन एक और बार दरकार रहने वाली है। वहीं पर सोल अक्षत गॉड लाइक जोनाथन को डाउन करेंगे, एक ही ओपी विद दैट लिंक्स टेक्स आउट सोल अक्षत। लिंक्स एएमआर का इस्तेमाल एक ही ओपी ने किया है और एक प्लेयर सोल के डाउन किए जा चुके हैं। ओमेगा वार के चारों प्लेयर जिंदा थे एंड दे वर हैविंग अ प्रोमिनेंट एडवांटेज, बट दैट एडवांटेज
Damage was confident, nothing. But this fight can that again. Abhi Akshat ne knock kiye the, but team Anima Forever is getting hunted by Team Soul. Team Soul ke bhi 4 present hai. Abhi tak unke 4 finishes hai. But this is the time. Ab wo finishes ka count bada sakte hai. Acha khasa mauka hai. Cause is God like a shadow. Ek grenade unke paas hi. Grenade karna zarur chahte hain, lekin wahan par koi hai nahi. Omega ka ek grenade jayega. Gamla Boy ko down karta hua. Aur usi ghar mein jis ghar mein Shadow hai, sare khiladi Soul ke wahi par dekhne ko mil rahe hain. Soul ke khiladi is jagah par hain. Unke 4 khiladi is jagah par hain. Is baar chicken dinner ki darkaar rehne वाली है, क्या ये सोल के पास आ पाएगी? गॉड लाइक ए शैडो, आप देखिए टीपीपी एंगल्स लेते नजर आ रहे हैं, बट ये स्मोक अगर हटा दिक्कत हो सकती है। उनका फुटस्टेप भांप चुके हैं, सोल के खिलाड़ी को पता चल चुका है कि सामने बिल्कुल वहीं पर कोई ना कोई रहने वाला। इंपैक्ट उस जगह पर गया, अक्षत ने देखा कोई था नहीं, बट शैडो सही समय पर चतुराई से बाहर की तरफ आ चुके हैं। गॉब्लिन का एक ग्रेनेड टीम एनिग्मा फॉरएवर के लिए खतरनाक बन रहा है। गॉड लाइक ए शैडो का भी एलिमिनेशन हो चुका है 14 पायदान पर। टीम सोल This time, I believe every Soul fan wants a chicken dinner in the hands of Team Soul, but OG is ready to take it out. Akshat has been spotted. Akshat is down by Trigger. Trigger. और Omega को तो game से बाहर कर दिया। अब तीन player बचे हैं। Goblin knock है। Akshat देखता है। Can they do wonders? Can they pull something off? Ocean. अब Orangutan फ्री में जीत सकती है आराम से। Orangutan के पहले Orangutan के खिलाड़ी ग्रेनेड्स कर रहे हैं, उस ग्रेनेड की चपेट में प्लेयर्स आ सकते हैं। सारे ड्रॉबल्स किए जा चुके हैं। इनफैक्ट एक ग्रेनेड से गोब्लिन डाउन हो जाएंगे। ऑप्शन बिल्कुल घर के अंदर, हेक्टर बिल्कुल बाहर की तरफ। Orangutan आगे मूव करिए, ये पार भी यहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहती है चिकन डिनर को, जो कि उनके बिल्कुल सामने हेक्टर के ऊपर और शॉट डालने जाएंगे। हेक्टर की एचपी बहुत ज्यादा कम है। Orangutan दिया जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे। Orangutan वर्सेस सोल हैज हैपेंड प्रीवियसली। ओपी थ्रोएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं एक वन बनने के लिए, बट देखते हैं इस गेम का एमवीपी कौन बनने वाला है। एंड इट इज गोइंग टू बी गोब्लिन फ्रॉम टीम सोल। Again, team actually get 24 अंक जाते हुए Orangutan के पास। Then there is team Enigma forever. I have overall ranking space का क्या impact होगा ये हमें अब पता चलेगा। And I don't think कोई negative impact होगा ऐसे consistent result। गॉड लाइक इन न्यू हावे होते हैं। गॉब्लिन को स्पॉट किया जा चुका है, थोड़े बहुत शॉट से निकल के ऊपर कोशिश है जरूर गॉड लाइक के, बाकी खिलाड़ी बिल्कुल सामने की तरफ जा चुके हैं। अभी भी गॉब्लिन सर्वाइव करे, लेकिन उनको डाउन किया जाएगा। अभी साथ के साथ फिनिश, अभी भी सर्वाइव करती हुई। आप रिप्ले में देख सकते हैं वो रैंडम शॉट जो गए थे, डेफिनेटली वो नॉक करेंगे, फिनिश कर देंगे। हेक्टर ने भी जी गॉड को गेम से बाहर निकाला। अभी इस कंपाउंड के अंदर टॉप डॉग होल्ड कर रहे थे, बट गॉड हेल दे वांटेड टू इंक्रीज दैट लीड, बट नो वन करते 14 को जो उनके पास है। रीलोड करने के लिए सोल लॉजिक के बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक एक प्लेयर डाउन होता नजर आएगा। इंपैक्ट सोल का भी हो चुका है एलिमिनेशन। और ये एलिमिनेशन जैसा बात करी फिक्सर्स ने, काफी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करी टीम की, लेकिन देखते हैं उन गलतियों का इंपैक्ट हमारी मैच रैंकिंग्स में कितने पॉइंट्स का नुकसान लेकर आता है। वेल, तो अपनी ओवरऑल रैंकिंग्स में पोजीशन को होल्ड कर पाई।